हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम आर पी व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, जय बाबा निंगोल महाराज की। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है दिल्ली स्पेशल भक्तों के लिए, जो बाबा के दर्शन करने ऐसे धाम नहीं जा पा रहे, वृंदावन नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी के दर्शन आप दिल्ली में मेहरौली में जौनपुर जिले में जो बाबा जी का आश्रम है दिल्ली में, वहाँ पर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा ये आज मैं जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, तो आपको बताता रहूँगा कैसे जाना है। बस से हर जगह से बस अवेलेबल है मेहरौली कुतुब मीनार के लिए, वहाँ से आपको हार्डली 10 किलोमीटर पड़ता है, आप कैब स्कूटर किसी से भी जा सकते। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बनाई, आपने दोनों वीडियो को प्यार दिया ऐसे धाम और वृंदावन की, तो दोस्तों इसी तरह हम और भी कवर करेंगे बाबा की सारी जगहों का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। चलो तैयार है बाबा के दर्शन करने के लिए, चलें। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, अब हम मंगलम से आईपी एक्सटेंशन से मैं बस पकड़ूंगा 534, पूरा आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मास्क लगा ले, दिल्ली में मास्क अलाउड हो चुका है, तो चलिए चलते हैं दोबारा से। तो दोस्तों हम बस में बैठ चुके हैं और फिलहाल हम अक्षरधाम की तरफ पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से काले खां और आश्रम के रोड से होते हुए मेहरौली पहुँचेंगे। एसी वाली बस में बैठ गए हैं, देखिए आराम से, सिर्फ मेरी टिकट लगी है, फैमिली की नहीं लगी है। ये मान यहाँ पे बैठा है। तो दोस्तों पूरा आपको रास्ता दिखाता रहूँगा, बनी रहिए मेरे साथ। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं काले खां। तो दोस्तों बस ने उतार दिया हमें यहाँ पे, अब सामने आप देख सकते हैं कुतुब मीनार दिख रहा होगा। अब यहाँ से आगे से ऑटो करेंगे हम जौनपुर के लिए। होप आपको कुतुब मीनार दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हम उतर चुके हैं मेहरौली। तो दोस्तों हमने कुतुब मीनार उतरने के बाद लिया ऑटो, जो कि यहाँ से लेते हैं 250 रुपये और हमें सीधे बाबा के आश्रम के पास छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं सुहाना सफ़र, बाबा निमकरौली महाराज के आश्रम में उतरेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाबा के आश्रम में, ऑटो ने हमें उतार दिया है। इधर से आप देख सकते हैं ये जौनपुर में आता है मेहरौली में, 8 किलोमीटर आगे। तो चलते हैं बाबा के अंदर, दर्शन करते हैं चल के। जय बाबा निमकरौली महाराज की। आइए बाबा के दर्शन करते हैं हनुमान मंदिर के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आश्रम है बाबा का, ये बाबा ने 1973 में बनाया था। तो चलिए आगे चप्पल उप्पल उतारते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। जय माता रानी। और दोस्तों ये सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ओपन रहता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, तो 12 से 4 के बीच बंद रहता है, तो इस बीच ना आए। और मंगलवार को ये पूरे टाइम ओपन रहता है मंगलवार को, बाकी आपकी टाइमिंग मैंने बता दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चप्पल उतार के दर्शन करते हैं बाबा के पूरे आश्रम के। जय बाबा निमकरौली। तो दोस्तों मंदिर में सबसे पहले हमने शुरुआत करी माँ उत्ता रानी शेरा वाली माँ के मंदिर से। अब हम अंदर गए धीरे धीरे से सीढ़ियों पे चढ़ के, मैं मेरी फैमिली माता रानी के हमने दर्शन करे। बहुत ही भव्य नज़ारा, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और आश्रम बाबा का निमकरौली महाराज जी का जो आश्रम है दोस्तों बहुत ही बड़ा है, बहुत ही भव्य, बहुत ही निराला है, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे शांति सुकून मिलेगा। जैसे कि हमने माता रानी के दर्शन किए, जैसे हम कैंची धाम गए थे वहाँ पे माता रानी के दर्शन हुए थे। जहाँ जहाँ बाबा का आश्रम है वहाँ वहाँ माता रानी बजरंगबली जी के भव्य मंदिर है। यहीं पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर हम दर्शन करेंगे देवाधिदेव महादेव। महादेव जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे हमने आश्रम में महादेव और माता गौरी के दर्शन किए। उसके बाद फिर मैं देख ही रहा था दोस्तों कि बाबा जी की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा कहाँ है। आप देख सकते हैं हमारे बाबा निमकरौली महाराज जी की भव्य प्रतिमा, जिन्हें देखते ही बस देखते ही रह जाओ। आप देख सकते हैं दर्शन किए, मैंने सुकून मिला सबसे ज़्यादा दोस्तों जब मैंने बाबा जी के दर्शन किए, उन्हें देखा। इसी तरह हमने कैंची धाम वृंदावन में देखा था, बाबा जी की पूर्व प्रतिमाएँ हर जगह लगी हुई हैं। फिर हम बजरंग बली जी के दर्शन किए हमने मंदिर में। तो दोस्तों ये आप पूरा हॉल सा देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी मंगलवार शनिवार को लोग आते हैं, आरती होती है, यहाँ बैठते हैं। आप देख सकते हैं बाबा निमकरौली महाराज जी की प्रतिमाएँ पूरे आश्रम में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर आश्रम बनाए हैं, यहाँ पे जौनपुर गांव में है बाबा निमकरौली जी का आश्रम। तो चलते हैं और देखते हैं मंदिर के दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों श्री कृष्ण मंदिर, जो कि थोड़ा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत ही भव्य आश्रम है, मंगलवार को पूरे टाइम खुलता है, बाबा जी ने इसका बनाया था 1973 में।
आ जाओ। तो मैं अपने सारे परिवार के साथ आऊँ। दिल्ली के लोग जो कैंची धाम या बाबा के दर्शन करने वृंदावन नहीं जा पा रहे किसी कारण से, आज ज़रूर जाइए, तो दिल्ली में ज़रूर आ जाइए टाइम निकाल के, बाबा का आशीर्वाद। वैसे ही श्री कृष्ण मंदिर में हम ऊपर को चढ़े, वहाँ हमने देखा बाबा की प्रतिमा। जैसे कि आप समझ सकते हैं आश्रम है बाबा जी का, तो हर जगह बाबा जी, ये आप देख सकते हैं तख्त यहाँ पे बैठ के बाबा जी इस मुद्रा में दिखाए गए हैं। यहाँ पे हर जगह, जैसे आप कैची धाम भी जाएंगे, वृंदावन भी, तो बाबा जहाँ जहाँ जाते थे अपने उपदेश देते थे, इसी मुद्रा में बैठ के लोगों को प्रसाद बांटते थे। हम वहाँ बैठे, हमने ध्यान लगाया बाबा का, बहुत ही सुकून मिला दोस्तों। ऐसा लगा जैसे सामने से बाबा जी हमें उपदेश दे रहे हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर हम गए सीधा आगे, और भी मंदिर है दोस्तों, बहुत ही बड़ा भव्य आश्रम है ये। आगे हमारे नाग देवता का मंदिर है और प्रभु सेवानंद जी का मंदिर है, जिन्होंने बाबा जी के जो ललाई शिष्य थे, हमारे बाबा जी के शिष्य थे, परम शिष्य, उनका मंदिर है। उन्होंने इस आश्रम को बनाने में, देख रेख करने में, और बाबा की सेवा करने में बहुत समय व्यतीत किया था। तो उनकी प्रतिमा, उनका मंदिर अब हम देखते हैं, अंदर चलते हैं। और दोस्तों एक बार मैं और बता दूं आपको, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे हर शनिवार को देख सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष में बाबा जी की प्रतिमा लगी, सुंदर कांड का पाठ होता है। तो अगर आपके पास दोस्तों मौका मिले शनिवार को जाने का या मंगलवार को जाने का, तो दोस्तों यहाँ पे सुंदर कांड का पाठ ज़रूर पढ़ें। तो सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये बाबा के परम भक्त कहें या मतलब शिष्य कहें, ये वो हैं सेवानंद जी, परम पूज्य सेवानंद जी। ये देखिए आप, सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे होता है। ये देखिए, ये हमारे परम पूज्य जो भक्त बाबा सेवानंद जी महाराज जी हैं, जो बाबा जी के, तो ये देख सकते हैं दोस्तों सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार को यहाँ था। उसके बाद हम निकल के गए, हम गए श्री ओम नमः शिवाय पंचमुखी महादेव, पंचमुखी बजरंगबली जी के मंदिर के दर्शन किए हमने। आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है, प्रतिमा जय बजरंगबली की, जहाँ बाबा का आश्रम वहाँ बजरंगबली जी आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। आप देख सकते हैं महादेव जी, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अगर आप आएँ, मैं यही कहूँगा दोस्तों दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ आप। तो अब चलते हैं आगे, हम अब नज़ारा दिखाते हैं अब आपको। हम नागेश्वर मंदिर है जिस तरफ हम जा रहे हैं, अब ये आगे हमारा नागेश्वर मंदिर। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले नागेश्वर मंदिर हम दर्शन करने से पहले हम गए थे, यहाँ पे बाबा की प्रतिमा है और लिटिल हनुमान जी कहेंगे हम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बजरंगबली जी का लिटिल, जो छोटा सा अवतार है जिससे वो सृष्टि को मतलब दिखाया करते थे। ये देख सकते हैं आप, बाबा जी हैं और लिटिल हनुमान जी, आप देख सकते हैं, आपको दर्शन हो रहे होंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। फिर दोस्तों हम गए उसके बगल में मंदिर था, जैसे जन्माष्टमी थी तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया था। जैसे हम गए तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था, अंदर हमने महादेव जी के दर्शन किए, कृष्ण जी कान्हा जी को झुलाया हमने, और आप जो सामने प्रतिमा देख रहे हैं दोस्तों। फिर हम नीचे उतर के गए, वहाँ पे माँ वैष्णो देवी, माँ शेरावाली मैया, ये छोटी सी गुफा टाइप बना रखी है। हम नीचे उतरे तो दोस्तों हमें दिखाई दी माँ वैष्णो देवी, शेरावाली मैया, वहाँ पे बाबा जी थे और उनके परम शिष्य श्री सेवानंद जी महाराज जी की प्रतिमा, ये हमारे बाबा नीव करौली जी। तो बहुत ही अच्छे भव्य नज़ारा है, बहुत ही अच्छा सुंदर आश्रम है दोस्तों। मंदिर बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह आश्रम का देखा गया, बहुत शांति मिलती है दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर बाबा में आपकी असीम इच्छा है तो आप आएँ। और देखो, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के बाद सभी भक्त जितने भी आते हैं उन्हें प्रसाद दिया जाता है। तो ये प्रसाद दोस्तों सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक चलता है, जितने भी भक्तगण आते हैं यहाँ पे, तो सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, कढ़ी चावल या प्रसाद के रूप में कुछ भी, दाल चावल। तो दोस्तों, और ये कहें हम खाने के बाद खुद ही सेवा कर सकते हैं अपने बर्तन वर्तन धो के। फिर हम चले दोस्तों नागेश्वर मंदिर, जिसकी मैं बात कर रहा था, छोटी छोटी सी गुफाएं हैं, इनके बीच निकलते हुए हम गए श्री नागेश्वर मंदिर, जहाँ पे मैं शिवलिंग दिखाऊंगा आपको, बहुत ही बड़ी प्रतिमा। वहाँ हमने शिवलिंग बाबा महादेव जी पे हमने जल चढ़ाया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देख सकते हैं
जय महादेव, ये देख सकते हैं आप, हर हर महादेव। दोस्तों आप आइए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे दर्शन करके, बाबा का आश्रम घूम के, बहुत ही सुख शांति चैन, क्योंकि बाबा से हम जो मांगे हमें बाबा जी देते हैं। और यहाँ पे मंदिर के दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आश्रम में जो इतने अच्छे मंदिर हैं, ये नाग देवता मंदिर दिखाया अभी हमने, और अभी पंचमुखी हनुमान जी मंदिर दिखाया। तो आश्रम में बहुत ही बड़ा आश्रम है बाबा जी करौली महाराज का, जहाँ पे मंदिर हैं बहुत सारे। तो आप आए सारा एक्सप्लोर करें, बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो दोस्तों अंदर आइए, देखिए चलते हैं अब सारे। तो मम्मी जी आप पहली बार आए बाबा के आश्रम में दिल्ली में, तो कैसा लगा आपको, कैसे मन को शांति मिली, कैसा लगा आके? मुझे बहुत सुकून मिला है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। और जी मुझे लग रहा है यहाँ बहुत शक्ति है, विश्वास है मुझे। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी में विश्वास है आपका, आप दोबारा आएंगे आज और जगह जाएंगे जहाँ बाबा जी का आश्रम है? हाँ भी जाऊंगी, और मुझे यहाँ आने पर भी बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत विश्वास है। दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरह से एक्सप्लोर किया मंदिर, पूरा दिखाया बाबा नीमकरो जी का आश्रम, और सारे ही मंदिर हैं बाबा जी के, और मैंने सारे मंदिर दिखाए आपको। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों अगर आप बाबा जी में विश्वास रखते हैं, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो दोस्तों ज़रूर आइए मेहरौली में, जौनापुर में। मेहरौली से 10 किलोमीटर आगे है जौनापुर में, यार ईज़िली आप पहुँच जाएंगे। और बाबा का बहुत ही सुंदर आश्रम है यहाँ पर, मंदिर में आइए, बहुत ही शांति मिलती है, ज़रूर घूमने आइए, मेरी आपसे यही विनती है। तो दोस्तों होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, पूरा मंदिर पूरा आश्रम मैंने आपको सही से दिखाया है, बाबा जी की कृपा से मैंने आपको दिखाया, आपको नॉलेज दी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।